Hello guys, welcome to Academy of Earth Sciences. I am Akansha. You guys must have appeared in the assistant hydrologist exam that was conducted few days back on 2nd of April. So I am bringing you the detailed video solutions of first 30 questions. So let's get started. Let's begin with question number 1. 4 3-fold axes, each inclined at 54 degrees 44 minutes to the crystallographic axis, are characteristic symmetry of which one of the following crystal systems? फर्स्ट लेट्स सी ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में हमारे पास एक इन्वर्जन सेंटर यानी सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है. ऑर्थोरॉम्बिक में हमारे पास एक सेंटर ऑफ सिमेट्री, थ्री मिरर प्लेन्स एंड थ्री एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री होता है. इन आइसोमेट्रिक सिस्टम वी हैव फोर एक्सेस ऑफ थ्री फोल्ड सिमेट्री, थ्री एक्सेस ऑफ फोर फोल्ड सिमेट्री, सिक्स एक्सेस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री एंड 9 mirror planes. In hexagonal system, we have an inversion center, that is center of symmetry, 3 mirror planes, 7 mirror planes, 1 axis of 6 fold symmetry and 6 axis of 2 fold symmetry. As you can see, out of the 4 options, 4 3 fold axis are only found in isometric system. So this is the correct answer. Let's move on to question number 2. Calcium rich plagioclase breaks down to almost pure L-biotin epitope during which one of the following deuteric alterations? Deuteric alterations kya hota hai? Jab koi bhi igneous rock apni crystallization ke final stage mein hota hai, us stage mein jo bhi mineralogical aur textural changes humko rocks mein dekhne ko milte hain, unko hum deuteric alterations bolte hain. फर्स्ट वी हैव यूरैलिटाइजेशन. यूरैलिटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब इग्नियस पायरोक्सीन कन्वर्ट हो जाए फाइब्रस एम्फीबोल में, यूजुअली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोथर्मल ऑल्टरेशन, और वो भी उसके लास्ट स्टेज में. हाइड्रोथर्मल ऑल्टरेशन के लास्ट स्टेज में अगर पायरोक्सीन कन्वर्ट हो जाए फाइब्रस एम्फीबोल में, तो हम उसको बोलेंगे यूरैलिटाइजेशन. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Then we have chloridization. Chloridization is basically the formation of chloride group of minerals. Usually pyroxene or amphibole minerals jab chloride group of minerals mein alter ho jate hain, to hum usko bolte hain chloridization. This is also not correct. Then we have devitrification. Devitrification usually glassy material ka hota hai, yani ki glassy material jab glassy form se crystalline form mein convert ho jaye, then we call it devitrification of glass. लास्ट ऑप्शन इज सॉसरेटाइजेशन. सॉसरेटाइजेशन बेसिकली क्या होता है, सॉसराइड ग्रुप ऑफ मिनरल्स का फॉर्मेशन. ये कब होता है, जब लास्ट स्टेज चल रही होती है क्रिस्टलाइजेशन की, यानी कि बेसिकली ड्यूटेरिक ऑल्टरेशन के टाइम पे ही होता है ये. इसमें क्या होता है, कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस कुछ पर्टिकुलर मिनरल ग्रुप है जिनको हम सॉसराइड ग्रुप ऑफ मिनरल्स कहते हैं, यानी कि टिपिकल असेंबलेज है ये सॉसराइड मिनरल की. सो उसके अंदर हमारे बहुत सारे मिनरल्स आ जाते हैं, जैसे कि एल्बाइट, एपिडोट, हमारा जोएसाइट, कैल्साइट एंड जियोलाइट ग्रुप ऑफ मिनरल्स. सो ये सारे मिनरल्स सॉसराइट मिनरल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये ड्यूटेरिक ऑल्टरेशन यानी कि क्रिस्टलाइजेशन के फाइनल स्टेज में बनता है, जब कैल्शियम रिच प्लेजियोक्लेस इन मिनरल्स में, जो हमने अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इन मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाता है. सो उसको हम बोलते हैं सॉसरेटाइजेशन. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज नॉर्मली एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट अबंडेंस ऑफ इनकम्पैटिबल ट्रेस एलिमेंट्स? ओके, हमारे पास कुछ मेजर एलिमेंट्स होते हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं. किसी भी रॉक के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स हमें बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में, यानी कि ट्रेस अमाउंट्स में मिलते हैं. उनमें से कुछ एलिमेंट्स कंपैटिबल होते हैं, यानी कि वो आयनिक्स वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और कुछ इनकम्पैटिबल होते हैं, यानी कि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाते. और वो सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि उनके साइज, चार्जेस या वैलेंसीज कंपैटिबल नहीं है किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के साथ. सो क्या होता है, जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है, वो स्ट्रक्चर्स क्रिस्टल साइट्स को छोड़ के मेल्ट फेज में क्विकली चले जाते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर कंपैटिबल नहीं थे. एंड यूजुअली हमको इनकम्पैटिबल ट्रेस एलिमेंट्स की अबंडेंस सबसे ज्यादा क्रस्ट में देखने को मिलती है, क्योंकि मेंटल रॉक्स के साथ ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंपैटिबल नहीं है. तो जैसे ही मेंटल में मेल्टिंग स्टार्ट होती है,
वहां से वो ट्रेस एलिमेंट्स मेल्ट फेज में आ जाते हैं, और वो मेल्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्रस्ट में। तो क्रस्ट में इनकम्पैटिबल ट्रेस एलिमेंट्स की क्वांटिटी या अबंडेंस काफी ज्यादा है। सो लेट्स सी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट वी हैव बसॉल्ट। बसॉल्ट बेसिकली मेंटल मेल्टिंग की वजह से बनता है, और ये हमको कहाँ मिलता है, मेनली मिड ओशनिक रिजेस पे, जहां पे मैग्मा कहाँ से आता है, मेंटल मेल्टिंग से। सो एज आई टोल्ड यू कि मेंटल में इनकम्पैटिबल ट्रेस एलिमेंट्स की जो अबंडेंस है वो कम है, सो यहाँ पे हमको हाईएस्ट अबंडेंस देखने को नहीं मिलेगी। सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। देन वी हैव ड्यूनाइट एंड पेरिडोटाइट। ड्यूनाइट एंड पेरिडोटाइट बोथ आर फॉर्म्ड इन मेंटल। ये दोनों ही मेंटल में फॉर्म होते हैं, और ये बेसिकली दोनों रॉक्स मेंटल में ही हमको मिलते हैं। सो यहाँ पे भी ट्रेस एलिमेंट्स की जो अबंडेंस है वो कम है। सो बोथ दिज ऑप्शन आर ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एंड ग्रेनिटॉइड रॉक्स दे आर फॉर्म ड्यू टू द एनाटेक्सिस ऑफ क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के पार्शियल मेल्टिंग से हमको ग्रेनाइट एंड ग्रेनिटॉइड रॉक्स दोनों मिलते हैं। सो इनके अंदर हाइएस्ट अबंडेंस होगी इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की, क्योंकि ये दोनों क्रस्ट की मेल्टिंग से बनते हैं, और क्रस्ट में ही सबसे ज्यादा अबंडेंस है इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैग्मा सीरीज इज फाउंड ओनली इन सबडक्शन जोन्स। लेट्स स्टार्ट विद कोमेटाइट्स। कोमेटाइट्स हमको दो सेटिंग्स में देखने को मिल सकते हैं। एक हमको ये आइलैंड आर्क्स में देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा ये मेंटल प्लूम्स की वजह से भी हमको कोमेटाइटिक मैग्मा मिल सकता है। देन वी हैव एल्कलाइन। एल्कलाइन हमको कॉन्टिनेंटल रिफ्ट सिस्टम्स में देखने को मिलते हैं। देन वी हैव थोलिटिक मैग्मा। थोलिटिक मैग्मा हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक सेटिंग्स में देखने के लिए मिल सकता है। ये हमको कन्वर्जेंट सेटिंग्स में भी मिल सकता है, ये हमको डाइवर्जेंट सेटिंग्स में भी मिल सकता है, एंड ये हमको बोथ ओशन एंड कॉन्टिनेंटल दोनों सेटिंग्स में देखने को मिल सकता है, यानी कि प्लेट बाउंड्रीज पर भी और इंटर प्लेट वॉल्केनिज्म में भी ये हमको मिल सकता है। लास्ट वी हैव कैल कैल्कलाइन। कैल कैल्कलाइन बेसिकली हमको सिर्फ वॉल्केनिक आर्क्स में देखने को मिलता है। वॉल्केनिक आर्क्स बेसिकली कहाँ होते हैं, सबडक्शन जोन्स में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। एवरेज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट रिजर्वॉयर इज रिप्रेजेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरबीएसआर वैल्यूज ऑफ रेडियोजेनिक पेरेंट डॉटर पेयर्स। ओके, इस क्वेश्चन में हमको डेटा याद होना चाहिए बेसिकली, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये किसी टेक्स्ट से या किसी लिटरेचर से नहीं आया है, ये बेसिकली एक टेबल से क्वेश्चन आया है। यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं पेपर में जिसमें आपको टेबल्स और फिगर्स और डायग्राम्स पे भी ध्यान देना होगा। सो लेट्स सी, दिस टेबल इज ऑफ कंसेंट्रेशंस ऑफ डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स इन द अर्थ क्रस्ट। सो लेट्स सी, रुबीडियम इज 49 पार्ट्स पर मिलियन एंड स्ट्रॉन्शियम इज 320 पार्ट्स पर मिलियन एंड द रेशियो विल कम रफली अराउंड 153, 0.153। सो द करेक्ट आंसर वुड बी पार्ट बी। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। इन अ रेयर अर्थ एलिमेंट आरईई डायग्राम, यूरोपियम एनोमली इज सीन बिटवीन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरईई पेयर्स। ओके, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड यूरोपियम एनोमली क्या है। यूरोपियम एनोमली का मतलब है यूरोपियम की अबंडेंस या यूरोपियम की कंसेंट्रेशन बेसिकली अगर डिप्लीटेड है एज कंपेयर टू अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे कि यूरोपियम इज शोइंग अ नेगेटिव एनोमली। और अगर यूरोपियम की कंसेंट्रेशन या अबंडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स, तो हम बोलेंगे यूरोपियम इज हैविंग पॉजिटिव एनोमली। सो बेसिकली ये हमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स में इस टाइप की एनोमलीज देखने को मिलती हैं। लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये दोनों पेयर्स कोई भी एनोमली शो नहीं करते। एनडीएसएम हम बेसिकली डेटिंग के लिए यूज करते हैं,
in place of RBSR सिस्टम, यानी कि जिस जगह पे RBSR सिस्टम हम यूज नहीं कर सकते वहां पे हम NDSM सिस्टम यूज करते हैं. देन वी हैव LAND सिस्टम, दिस रिप्रेजेंट्स सीरियम एनोमली. सीरियम एनोमली भी सिमिलर टू यूरोपियन एनोमली है, यानी कि सीरियम की कंसेंट्रेशन एज कंपेयर टू अदर एयर एलिमेंट्स अगर इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, सो उसको हम बोलेंगे सीरियम एनोमली. सो दिस पेयर रिप्रेजेंट्स सीरियम एनोमली. And option C, SMGD, this pair represents europium anomaly. So this is the correct answer. Moving on to question number 7, which one of the following symbols denotes the deviation of ND isotopic composition of a rock from that of chondritic uniform reservoir? Okay, सबसे पहले chondritic uniform reservoir के बारे में समझते हैं. इसको हम CHUR भी बोलते हैं, CHUR. ये basically क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्ड्राइट्स की कॉम्पोजिशन. कॉन्ड्राइट्स क्या होते हैं? कॉन्ड्राइट्स एक टाइप के मीटियोराइट्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन जो अर्लीस्ट हमारा सोलर सिस्टम था, यानी कि जिस हॉट नेब्यूला से हमारा सोलर सिस्टम और हमारा सन बना है, उसकी जो कॉम्पोजिशन थी वो कॉम्पोजिशन कॉन्ड्राइट्स के अंदर भी देखने को मिलती है. यानी कि जो सन का फोटोस्फेयर है, यानी कि अगर ये हमारा सन है, सो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर है जहां से हमको सोलर रेडिएशन मिलती है, इसको बोलते हैं फोटोस्फेयर. इस फोटोस्फेयर की कॉम्पोजिशन और कॉन्ड्राइट्स की कॉम्पोजिशन एकदम सिमिलर होती है. अब कॉन्ड्राइट्स के अंदर हमको नियोडियम की एक रेशियो देखने को मिलती है, यानी कि नियोडियम 143 एंड नियोडियम 144 की जो रेशियो है वो एक पर्टिकुलर रेशियो हमको कॉन्ड्राइट्स के अंदर देखने के लिए मिलती है. अब बाकी मटीरियल्स जो कॉन्ड्राइट की जैसे नहीं है, तो उनके अंदर हमको ये देखने के लिए कि कॉन्ड्राइट से वो कितना वैरी कर रहे हैं, यानी कि उनकी कॉम्पोजिशन कॉन्ड्राइट से कितनी डिफरेंट है, हम ये रेशियो यूज करते हैं, नियोडियम 143 बाय नियोडियम 144. सो उस डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं कि कॉन्ड्राइट्स की कॉम्पोजिशन से हमारे सपोज हमारा रॉक है जिसका नाम है एक्स, एक्स रॉक की कॉम्पोजिशन, यानी कि एक्स रॉक के अंदर कितनी ये वाली रेशियो है, उसको हमें कंपेयर करना है कॉन्ड्राइट्स के अंदर इस रेशियो से. दोनों की रेशियोज को कंपेयर करने के लिए हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं. उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन. यानी कि एप्सिलॉन वो सिंबल है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी रॉक के अंदर नियोडियम 143 बाय 144 की रेशियो और कॉन्ड्राइट के अंदर नियोडियम 143 और 144 की रेशियो में कितना डेविएशन है. सो एप्सिलॉन इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इन अ यूरेनियम 238 बाय लेड 207 वर्सेस यूरेनियम 235 लेड 207 रेशियो डायग्राम, द लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग द सेम यूरेनियम 238 बाय लेड 206 एंड यूरेनियम 235 बाय लेड 207 एजेस इज नोन एज. ओके, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है, सो इसको इजीली समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये दो रेशियोज हैं, हमने इनसे एक रेशियो डायग्राम बनाया. अब हमें बताना है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स, लोकस का मतलब क्या है? लोकस का मतलब होता है, लोकस ऑफ पॉइंट्स का मतलब है कोई भी कर्व या कोई भी फिगर जो ऐसे पॉइंट से बना है जो किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. और वो इक्वेशन क्या है? वो इक्वेशन बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन बोथ दी एक्सेस. दोनों एक्सेस के बीच में एक रिलेशनशिप है जिससे हमको एक इक्वेशन मिल रही है, और उस इक्वेशन को जो भी पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं वो एक कर्व फॉर्म करते हैं. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे एक कर्व है, ये लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम एजेस हैव फॉर्म्ड, यानी कि जिन पॉइंट्स का लोकस, यानी कि जो पॉइंट्स वो पर्टिकुलर इक्वेशन फॉलो कर रहे थे और जिनकी एजेस सेम थी, उन्होंने एक कर्व फॉर्म किया. ठीक है, अब वन बाय वन सारे ऑप्शंस को समझते हैं. सबसे पहले हमारे पास है मिक्सिंग लाइन. मिक्सिंग लाइन क्या होता है? हम बेसिकली रेडियोमेट्रिक डेटिंग कैसे करते हैं? हम पेरेंट आइसोटोप और डॉटर आइसोटोप की अबंडेंसेस देखते हैं. हमको हाफ लाइफ पता है कि हमको उसका डीके रेट पता है कि कितने टाइम में वो डीके होता है, तो हमको पता चल जाएगा कि इतनी पेरेंट आइसोटोप की कंसेंट्रेशन थी, इतनी डॉटर आइसोटोप की कंसेंट्रेशन है, तो यानी कि इतना पर्टिकुलर टाइम हुआ होगा जिसमें ये पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो गया. इससे हमको इजीली एज पता चल जाएगी. उसको हम क्या बोलते हैं?
आइसोक्रॉन लाइन, यानी कि वो सारे पॉइंट्स जो सेम एज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे आइसोक्रॉन लाइन। यानी कि हम क्या करेंगे, पेरेंट और डॉटर आइसोटोपिक अबंडेंसेज निकाल लेंगे, उनकी रेशो लेंगे और उसको हमारा ये सिंपल फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस बेसिक से फॉर्मूले में हम उसको डालेंगे और हमको पता चल जाएगा कि एज कितनी है। लेकिन इस प्रोसेस को जितना सिंपल साउंड कर रहा है, ये प्रोसेस उतना सिंपल नहीं है। क्यों ये प्रोसेस सिंपल नहीं है, लेट्स सी। सपोज हमारे पास पेरेंट आइसोटोप था जिसकी कंसेंट्रेशन थी, सपोज पेरेंट आइसोटोप हमारे पास x एक पेरेंट था, उसका उसकी हमारी डॉटर आइसोटोप मिली x नॉट। अब x को x नॉट में कन्वर्ट होने में कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा और वो एक फिक्स अबंडेंस में ही कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो रेशो है उसी रेशो में कन्वर्ट होगा कि इतने पेरेंट कन्वर्ट्स टू दिस मच डॉटर इन दिस पर्टिकुलर टाइम, वो सब फिक्स्ड है। लेकिन अगर इसके अंदर कहीं और से, यानी कि किसी दूसरे मैग्मा के मिक्स होने की वजह से यही सेम डॉटर आइसोटोप आ जाए, सपोज किसी दूसरे मैग्मा का, अब डॉटर आइसोटोप की कंसेंट्रेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब हम इस रॉक की जब डेटिंग करेंगे तो हमको गलत आंसर मिलेगा, हमको इसकी एग्जैक्ट एज नहीं पता चलेगी बल्कि हमको इसकी गलत एज पता चलेगी। और ये जो एज हमें पता चलेगी उस, और हम उसको जब प्लॉट करेंगे, उसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, तो तब हमें जो ग्राफ मिलेगा उसको हम बोलेंगे मिक्सिंग लाइन। यानी कि मिक्सिंग लाइन बेसिकली आइसोक्रोन ही है, यानी कि वो वाले पॉइंट जिनकी एजेस सेम है, मिक्सिंग लाइन भी वही रिप्रेजेंट करता है। बट मिक्सिंग लाइन हमको ट्रू एज ना बता के हमको गलत एज बताता है, क्योंकि उसके अंदर दूसरे मैग्मा के मिक्स होने की वजह से या तो डॉटर आइसोटोप की कंसेंट्रेशन चेंज हो गई है या फिर पेरेंट आइसोटोप की कंसेंट्रेशन चेंज हो गई है। इससे हमको रॉक की असली एज नहीं पता चलेगी बल्कि हमको उस इवेंट की बेसिकली एज पता चलेगी जिसके बाद ये कंसेंट्रेशन चेंज हुई है। इसको हम बोलेंगे मिक्सिंग लाइन। दिस इज नॉट करेक्ट। आइसोक्रोन लाइन हमने अभी डिस्कस कर लिया, वो सारे पॉइंट्स जो सेम एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको हम बोलेंगे आइसोक्रोन लाइन। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव कॉनकॉर्डिया कर्व। कॉनकॉर्डिया कर्व क्या होता है, बेसिकली जब हम ये दोनों रेशियोज जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, यानी कि यूरेनियम 238 एंड लेड 206 एंड यूरेनियम 235 एंड लेड 207, इन दोनों को प्लॉट करते हैं, तो वो जो सारे पॉइंट्स अभी हमने जिस जो बात की कि उस इक्वेशन को बेसिकली फॉलो कर रहे हैं, तो उन सारे पॉइंट्स का लोकस क्या होगा, सेम होगा और वो एक कर्व फॉर्म करेंगे। तो इस कर्व को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कॉनकॉर्डिया कर्व बोलते हैं। और इस पे हमको बेसिकली एजेस पता चलेंगी इससे। और ये जो कर्व है ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये कर्व इसलिए है क्योंकि जो यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238 इन दोनों की जो हाफ लाइफ होती है वो डिफरेंट होती है, तो हमको एक कर्व मिल रहा है ये दोनों रेशियोज प्लॉट करने से। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लास्ट इज डिस्कोर्डिया कर्व। डिस्कोर्डिया कर्व भी बेसिकली क्या होता है, जब हम किसी भी दो पॉइंट्स को मैच करेंगे कॉनकॉर्डिया कर्व पे, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये स्ट्रेट लाइन हमको डिस्कॉर्डिया कर्व देगी बेसिकली, और इसका जो अपर इंटरसेप्ट होता है वो हमको बताएगा एज, और जो लोअर इंटरसेप्ट होता है वो हमको क्या बताएगा, उस इवेंट की एज जिसकी वजह से हमारी लेड बेसिकली लेड की रेशो में चेंजेस आए हैं। ये हमको रियल एज नहीं बताएगा बल्कि ये हमको दो इवेंट्स की एज बताएगा। एक एज रिप्रेजेंट करेगी द ट्रू एज ऑफ द इवेंट, और दूसरी जो एज वो रिप्रेजेंट करेगा वो हमको क्या बताएगा, वो इवेंट जिसकी वजह से जो लेड की कंसेंट्रेशन है उसमें चेंजेस आए। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर इज कॉनकॉर्डिया कर्व। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। इन द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट मेल्ट, Ca2+ एंड Mg2+ आयंस आर कैटेगराइज्ड एज। ओके, फर्स्ट लेट्स सी नॉन ब्रिजिंग एटम्स। नॉन ब्रिजिंग एटम्स बेसिकली ऑक्सीजन के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसी ग्लास स्ट्रक्चर के अंदर हम मोनोवेलेंट नेटवर्क मॉडिफायर्स इंट्रोड्यूस कर दें तो ऑक्सीजन का 1/2 ऑफ द बॉन्ड इज परमानेंटली ब्रोकन। ऐसे ऑक्सीजन को हम नॉन ब्रिजिंग ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। देन वी हैव ब्रिजिंग एटम्स।
ब्रिजिंग एटम्स बेसिकली ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम ब्रिजिंग एटम के तरह भी बिहेव कर सकता है. अगर सेम ऑक्सीजन इज शेयर्ड बिटवीन टू टेट्राहेड्रा, अगर दो टेट्राहेड्रा एक सेम ऑक्सीजन को शेयर कर रहे हैं, सो वो ऑक्सीजन को हम क्या बोलेंगे, ब्रिजिंग एटम. सो दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव नेटवर्क फॉर्मर. सिलिकेट मेल्स के अंदर नेटवर्क फॉर्मर्स क्या होते हैं, बेसिकली सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके एक नेटवर्क बनाते हैं किस चीज का, SiO2 का, नॉट SiO2, सॉरी SiO4 का नेटवर्क फॉर्म करते हैं. और ये नेटवर्क आपस में कनेक्ट होके हमको सिलिकेट मेल्ट्स के अंदर क्या देते हैं, बेसिकली क्वार्ट्ज. अब ये नेटवर्क अगर मॉडिफाई हो जाए, यानी कि इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग विद अनदर SiO4, SiO4 के साथ ज्वाइन होने की बजाय अगर ये किसके साथ ज्वाइन हो जाए, बेसिकली लार्ज कैटायंस जैसे कि Ca और Mg, तो हमें क्या मिलेगा, CaSiO4. सो ये क्या कर देंगे, नेटवर्क को मॉडिफाई कर देंगे बेसिकली, यानी कि क्वार्ट्ज बनने की बजाय अब हमें क्या मिलेगा, CaSiO4. सो ऐसे कैटायंस को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क मॉडिफायर्स. सो Ca एंड Mg आर नेटवर्क मॉडिफायर्स बेसिकली. हमने देखा है कि जो सिलिकेट मेल्ट्स होते हैं जिनमें क्वार्ट्ज यानी कि SiO2 ज्यादा होता है, वो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है. उनकी डेंसिटी इसीलिए ज्यादा होती है क्योंकि SiO4 बहुत ही अच्छा नेटवर्क फॉर्मर है और वो एक बहुत डेंस नेटवर्क फॉर्म कर लेता है. लेकिन Ca और Mg जैसे कुछ आयंस उसमें इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो इस नेटवर्क को मॉडिफाई कर देते हैं, और उसकी डेंसिटी भी हमको थोड़ी कम देखने के लिए मिलती है. इसलिए हमको बसाल्टिक जो मेल्ट्स होते हैं जिसमें क्वार्ट्ज की या सिलिका की जो अबंडेंस होती है वो कम होती है, तो वो हमको काफी कैसे मिलते हैं, उनकी डेंसिटी कम मिलती है क्योंकि उनके अंदर नेटवर्क मॉडिफायर्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम. ओके. नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिड ओशनिक रिच बसॉल्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम एन इनकम्पैटिबल एलिमेंट पुअर मेंटल. ओके, फर्स्ट वी हैव वॉल्केनिक आर्क बसॉल्ट. वॉल्केनिक आर्क बसॉल्ट बेसिकली हमको सबडक्शन जोन्स में देखने को मिलता है, और बेसिकली क्रस्ट के सबडक्शन से बनता है, तो हमको यहाँ पे इनकम्पैटिबल एलिमेंट ज्यादा देखने को मिलेंगे. सो दिस वुड बी एनरिच्ड. देन वी हैव पी मॉड, जिसको हम बोलते हैं प्लूम टाइप मिड ओशनिक रिज. ये प्लूम्स के, मेंटल प्लूम्स के ऊपर बनते हैं, यानी कि मेंटल प्लूम्स के ऊपर से जब कोई प्लेट बाउंड्री या कोई भी प्लेट गुजरती है किसी भी मेंटल प्लूम के ऊपर से, तो वहां पे हमको पी मॉर्ब या प्लूम टाइप मॉर्ब देखने को मिलेंगे. दिस इज ऑल्सो एनरिच्ड. एंड ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल के अंदर एन मॉर्ब और पी मॉर्ब के बीच की बेसिकली कंसेंट्रेशन होती है इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की. यानी कि ट्रांजिशनल से हमको क्या पता चल रहा है, यानी कि ये दो चीजों के बीच की पोजीशन है. देन वी हैव एन मॉर्ब. एन मॉर्ब इज बेसिकली आर नॉर्मल मॉर्ब. सो जो नॉर्मल मिड ओशनिक रिज होता है, नॉर्मल मिड ओशनिक रिज बसॉल्ट होता है, उसके अंदर इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की एनरिचमेंट नहीं होती. उसके अंदर इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिप्लीटेड होते हैं. सो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोकेमिकल रिजर्वॉयर्स इज डिफाइंड बाय द एनडी आइसोटोपिक कॉम्पोजिशन ऑफ क्वांड्रेटिक मीटियोराइट्स. सो क्वांड्रेटिक मीटियोराइट्स क्या होते हैं, दीज मीटियोराइट्स हैव नेवर अंडरगॉन एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएशन एंड देयर कॉम्पोजिशन हैज नेवर चेंज. सो यानी कि क्वांड्रेटिक मीटियोराइट्स के अंदर सोलर सिस्टम की कॉम्पोजिशन प्रिजर्व्ड है. हम क्वांड्रेटिक मीटियोराइट से सोलर सिस्टम की कॉम्पोजिशन पता कर सकते हैं, यानी कि जिस टाइम पे सोलर सिस्टम फॉर्म हो रहा था उस टाइम पे क्या कॉम्पोजिशन थी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्वांड्रेटिक मीटियोराइट्स. सो लेट्स सी विच जियोकेमिकल रिजर्वॉयर हैज सिमिलर कॉम्पोजिशन टू क्वांड्रेटिक मीटियोराइट्स. फर्स्ट वी हैव डीएम. डीएम इज बेसिकली डिप्लीटेड मेंटल. डिप्लीटेड मेंटल का अंदर क्या होता है, इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की जो क्वांटिटी होती है वो डिप्लीट हो जाती है, क्योंकि जैसे ही पार्शियल मेल्टिंग होती है मेंटल की, तो इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स मेल्ट फेज में आ जाते हैं, और जब वो मेल्ट हमारा क्रस्ट में चला जाता है तो मेंटल के अंदर डिप्लीटेड मेंटल मिलता है हमको, यानी कि वहां पे डिप्लीशन हो गई किस चीज की, इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स की. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव बल्क सिलिकेट अर्थ. बल्क सिलिकेट अर्थ रिप्रेजेंट करता है वो कॉम्पोजिशन मेंटल की जो अर्थ के डिफ्रेंसिएशन से पहले थी,
यानी कि दिस मेंटल हैज नॉट सीन एनी चेंज इन कॉम्पोजिशन. जब अर्थ फॉर्म हुई उसके बाद हमारा क्रस्ट बना, देन क्रस्ट और मेंटल डिफ्रेंशिएट होने से पहले यानी कि डिफ्रेंशिएशन के प्रोसेस से पहले हमको बल्क सिलिकेट अर्थ मिलती है. सो दिस हैज नॉट अंडरगॉन एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन कॉम्पोजिशन. सो दिस इज सिमिलर टू क्वांड्रेटिक मीटोराइट्स. सो दिस वन वुड बी द राइट आंसर. लेट सी प्रीमा. प्रीमा इज बेसिकली प्रिवेलेंट मेंटल. इट इज फाउंड बाय द मिक्सिंग ऑफ डिप्लीटेड मेंटल, एनरिच्ड मेंटल. एनरिच्ड मेंटल बेसिकली हैज हायर क्वांटिटी ऑफ इनकम्पैटिबल एलिमेंट्स देन एंड ऑल्सो हाई म्यू मेंटल. सो इनकी मिक्सिंग से हमको प्रीमा मिलता है. सो इसकी कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गई. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव हाई म्यू. हाई म्यू मेंटल में क्या होता है, इस रिजर्वायर में बेसिकली जो लेड आइसोटोप्स होते हैं उनकी जो रेशियो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर जियोकेमिकल रिजर्वायर्स. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो राइट आंसर वुड बी बल्क सिलिकेट अर्थ. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Which one of the following do not constitute an equilibrium mineral assemblage in a rock? Okay, अब हमें यहाँ पे काफी सारे minerals दिए हुए हैं और हमको बताना है कि कौन से minerals equilibrium assemblage नहीं form करते. First we have quartz and orthoclase. Okay, let's see Bowen reaction series. Okay, सबसे पहले है quartz and orthoclase. ये है हमारा quartz और ये है orthoclase. As you can see कि यहाँ पे बहुत vast डिफरेंस नहीं है टेम्परेचर का, यानी कि क्वार्ट्स और ऑर्थोक्लेस बहुत हाईली डिफरेंट टेम्परेचर्स पे फॉर्म नहीं हो रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है. सो ये सेम असेंबलेज में या सेम रॉक के अंदर अकर कर सकते हैं. हमको नॉट बताना है. सो दिस इज रॉन्ग. देन वी हैव फॉस्टराइट एंड क्वार्ट्स. ओके, लेट्स सी अदर ऑप्शंस. फर्स्ट हॉर्नब्लेंड एंड एंडेसाइन. हॉर्नब्लेंड बेसिकली हमारा एम्फीबोल है एंड एंडेसाइन इज basically plagioclase. As you can see, amphiboles or plagioclase same temperature pe simultaneously form ho rahe hain. This is also not correct. Then we have labradorite and augite. Labradorite bhi hamara basically kya hai, plagioclase, and augite is pyroxene. Ye bhi as you can see simultaneously same temperature pe form ho rahe hain. So not correct. Last option is fosterite and quartz. Fosterite basically kya hota hai, olivine की सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज का एंड मेंबर है. फॉस्टराइट इज ऑलिविन. एज यू कैन सी ऑलिविन 1400 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म हो रहा है एंड क्वार्ट्स फॉर्म हो रहा है 800 डिग्री सेल्सियस पे. ऑलिविन सबसे पहले क्रिस्टलाइज हो रहा है एंड क्वार्ट्स सबसे लास्ट में क्रिस्टलाइज हो रहा है. सो प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो क्या हमको ये दोनों एक साथ देखने को मिल सकते हैं? नॉट पॉसिबल, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कम होगा ऑलिविन कन्वर्ट हो जाएगा पायरोक्सीन में, उसके बाद एम्फीबोल में, देन हमको बायोटाइट देखने को मिलेगा. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलिविन कंज्यूम होके पायरोक्सीन, देन पायरोक्सीन कंज्यूम होके एम्फीबोल, एम्फीबोल कंज्यूम होके बायोटाइट, ये हमको देखने को मिलेगा. सो बाय द टाइम द टेम्परेचर रीचेज 800 डिग्री सेल्सियस सारा ऑलिविन जो है हमारा कन्वर्ट हो चुका होगा किसी डिफरेंट मिनरल में आउट ऑफ दीज थ्री. तो किसी डिफरेंट मिनरल में कन्वर्ट होने की वजह से हमको ऑलिविन कभी भी क्वार्ट्स के साथ देखने को नहीं मिलेगा. सो दिस इज द राइट आंसर. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. इन अ वेव डोमिनेटेड कोस्ट लाइन द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट फ्रॉम लैंड टू सी इज. ओके, लेट सी वेव डोमिनेटेड कोस्ट लाइन. ये हमारी वेव डोमिनेटेड कोस्ट लाइन है. यहाँ पे लैंड से हम सी की तरफ मूव करेंगे. सबसे पहले हमको मिलेगा स्वॉश जोन, देन वी विल फाइंड सर्फ जोन, then we will find wave shoaling zone. Okay, let's see which option is correct. First we will find swash. So ye dono option to cancel ho gaye. Swash ke baad humko milega surf zone. Let's see surf zone kahan par hai. Okay, so the correct answer would be option C. Moving on to question number 14. The uppermost part of subaqueous delta that lies at water depth down to 10 meter or so is referred to as. Okay, let's see the diagram of delta. As you can see, सब एक्वस डेल्टा कहाँ से स्टार्ट है, इस बाउंड्री के बाद हमको सब एक्वस डेल्टा देखने के लिए मिल रहा है. बेसिकली दिस बाउंड्री, दिस सब एक्वस डेल्टा इज सबमर्ज इन वाटर एंड इसके लोअर पार्ट में हमको मिल रहा है प्रो डेल्टा एंड अपर पार्ट में हमको क्या मिल रहा है, डेल्टा फ्रंट.
this part is basically the upper part of subaqueous delta and it is called delta front. So this would be the right answer. Moving on to question number 15, which one of the following sequences of sedimentary structures is correct in terms of increasing bed shear? Okay, let's see ki bed shear kya hota hai. Bed shear basically ek hydraulic parameter hai jisse humko pata chalta hai ki how efficiently a river or a stream can transport sediments. ठीक है, ओके. सबसे पहले हमारे पास क्या क्या ऑप्शन, पार्टिंग लिनिएशन, ड्यून, फ्लूट मार्क्स एंड रिपल. ओके, ये चार चीज़ें हमारे पास. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बेड शियर आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज हमको चाहिए होगा फ्लूट मार्क्स के अंदर, क्योंकि फ्लूट मार्क्स में बेसिकली क्या होता है, जब कोई कोई बड़ा पार्टिकल ट्रैप हो जाता है स्ट्रीम के साथ और वो कुछ मार्क्स बनाता है, उन मार्क्स को हम फ्लूट मार्क्स कहते हैं बेसिकली. सो फ्लूट मार्क्स बनाने के लिए उसको बड़े पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा और बड़े पार्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ज़्यादा बेड शेयर की ज़रूरत होगी. सो हाईएस्ट बेड शेयर हमको फ्लूट मार्क्स के केस में देखने को मिलेगा. लेट सी कौन से ऑप्शन में फ्लूट मार्क्स लास्ट में है. ओके, ऑप्शन बी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. बिकॉज रिपल्स बेसिकली हमको ऐसे वाले स्ट्रक्चर्स जो बेसिकली देखने को मिलते हैं इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे. ड्यून्स थोड़ा उनका रिपल इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, यानी कि हाइट ज़्यादा होती है. पार्टिंग लिनिएशन में क्या होता है, पैरेलल अलाइनमेंट हो जाता है सेडिमेंट्स का. एंड लास्ट इज फ्लूट मार्क, एज आई टोल्ड यू फ्लूट मार्क्स में हमको सबसे ज़्यादा बेड शेयर की जरूरत पड़ेगी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following pairs regarding weathering is not correctly matched? Okay, first we have hydration occurs when minerals absorb water molecules. This is correct. Humko kya pata karna hai? Not correct. Oxidation occurs when an atom or an ion gains an electron. Okay, this is actually not correct. Kya hota hai? Oxidation mein basically there is a loss of electron from an atom or ion. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, gain. So ये होगा हमारा correct option. Carbonation occurs when carbonates are formed. This is also true. Chelation occurs when metal ion is removed by organic matter. This is also true. So the answer is oxidation. Moving on to question number 17. The mean age of oceanic floor is approximately. Okay, so the mean age of oceanic floor is approximately 64 million years. So the correct option would be B. Moving on to question number 18. According to Airy's hypothesis, if the thickness of crustal column is doubled, the mountain heights may increase approximately by. Okay, let's see this model here. Yahan pe pehle sea basically continental crust 30 kilometer tha. Then continental crust ki height बेसिकली हमने डबल कर दी, वो 60 किलोमीटर्स हो गया. यहाँ पे हमको माउंटेन की जो हाइट मिल रही थी वो मिल रही थी 8400. उसके बाद जब हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डबल किया सो हमको 4154 मीटर्स का इंक्रीज देखने को मिला. सो दिस विल बेसिकली बिकम 12554 मीटर्स. सो ओरिजिनल से कितना चेंज हुआ, ओरिजिनल था 12554 माइनस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एंड दिस होल वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 100. सो ये हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली आएगा 49% के आसपास. सो लेट्स सी, so the closest option to 49% is 40%, so this would be the correct answer. Moving on to question number 19, match list 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below the list. Okay, first we have shield volcanoes. Shield volcanoes basically flattened hote hain upar se, shield ki jaisi shape hoti hai unki. So let's see which option has, okay, this one. Then we have cinder cone volcano. Cinder cone volcano basically pyroclastic material से बने होते हैं. So, okay, we have here. Then we have strato volcano. Strato volcano basically क्या, composite volcano भी बोलते हैं strato volcano को.
So this is the right answer. Then we have lava dome volcano, which is formed by highly viscous lava. So the option becomes A2, okay, B3, C1, and D4. So this is the right answer. Moving on to question number 20, match list 1 with list 2 and select the correct answers using the code given below the list. List 1 mein humare paas hai bed forms in sandy alluvial channel, then in list 2 we have Froude number. Froude number basically kya hota hai? It is a ratio of inertial forces to gravitational forces. Aur ye kya represent karta hai? Kisi bhi stream ke upar gravity ka kya effect hoga, wo ye represent karta hai. Okay, ab humare paas 3 conditions hoti hai, f equal to 1, f less than 1 and f greater than 1. F equal to 1 में हमको washed out dunes मिलते हैं. When F is less than 1, हमको यहाँ पे क्या मिलते हैं? Ripples, dunes and stationary beds, stationary plain beds. When F is greater than 1, यहाँ पे हमको मिलते हैं anti-dunes, moving plain beds and chutes, pools, etc. So let's see. First we have ripples. Ripples kab milenge? When f is less than 1. So d matches with 1. Then we have plane bed. Plane bed humko, it would be greater than 1. Greater than 1 ke case mein humko plane bed milenge. Let's see which option has greater than 1. This one. Then we have washed out dunes. Washed out dunes हमको कब मिलेंगे? Critical flow की condition में, यानी कि when F is equal to 1. So B matches with 4. Then last option is dunes with superimposed ripples. It will form when F is greater than 1. So let's see which option is correct. We have D1. Then we have C2. Okay, so D option would be correct. Moving on to question number 21. Which one of the following pairs is not correctly matched? Okay, let's see. First, we have Nunatak, unglaciated island of bedrock formerly or currently surrounded by ice. This is correctly matched. Cirque, deep walled semicircular basin in ocean in mountain glaciers. This is also correctly matched. Narrow sharp edged ridge in mountain glaciers. Okay, narrow sharp edged ridge in mountain glaciers are basically arete. So this one is not correct. Then we have Jord, U-shaped glacial trough below sea level. This is also correctly matched. So the only option that is not correctly matched is option C. So this one is the right answer. Moving on to question number 22. The lateral unsaturated flow of water in the soil zone where a highly permeable geological unit overlays a less permeable geological unit is termed as. Okay. Let's start with overland flow. Overland flow is basically surface runoff. Yani ki rain ke baad ya fir snow melt hone ke baad jo water infiltrate nahi ho pata, yani ki सॉइल के अंदर या ग्राउंड वाटर में नहीं पहुंच पाता, वो सरफेस के ऊपर फ्लो करता है, उसको हम ओवरलैंड फ्लो कहते हैं. ओके, सो दिस इज नॉट अ लेटरल फ्लो, दिस इज बेसिकली फ्लो ऑन द सरफेस. लेटरल का मतलब क्या है? कि कुछ इस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे मूवमेंट क्या हो रहा है? ऐसा. सो दिस इज नॉट करेक्ट. देन वी हैव सैचुरेटेड ओवरलैंड फ्लो. सैचुरेटेड ओवरलैंड फ्लो में क्या होता है? अगर सॉइल के अंदर बहुत ज्यादा मॉइस्चर है या फिर वाटर टेबल काफी ऊपर आ चुकी है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वाटर इनफिल्ट्रेट नहीं होगा और वो सरफेस पे ही फ्लो करेगा. ये बेसिकली कहाँ होता है? सैचुरेटेड सॉइल्स में और ह्यूमिड एरियाज में हमको ऐसा देखने को मिलता है. सो दिस इज सैचुरेटेड ओवरलैंड फ्लो. दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजोंटल टाइप फ्लो. सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. देन वी हैव शीट फ्लो. शीट फ्लो बेसिकली ओवरलैंड फ्लो ही है, लेकिन इसमें क्या है कि एक पतली सी शीट होगी वाटर की सरफेस के ऊपर जो फ्लो कर रही होगी.
सपोज ये हमारी वाटर की शीट है और ये हमारा सरफेस है। सो ये एक पतली सी शीट के फॉर्म में फ्लो करेगा। सो इसको बोलेंगे हम शीट फ्लो। दिस इज ऑल्सो एन ओवरलैंड फ्लो बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन शीट ओवर द सर्फेस। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव थ्रू फ्लो। थ्रू फ्लो में क्या होगा, बेसिकली लेटरल मूवमेंट होगा, यानी कि दिस इज अ टाइप ऑफ परकोलेशन। दैट मीन्स वॉटर इज गोइंग इन साइड द सर्फेस। एंड यहाँ पे क्या होता है, एक हाईली परमिएबल जियोलॉजिकल यूनिट किसके ऊपर होती है, एक लेस परमिएबल जियोलॉजिकल यूनिट के ऊपर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23, द वॉइड रेशियो ऑफ सॉलिड मास इज डिफाइंड एज। ओके, वॉइड रेशियो क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ वॉइड्स, सॉरी नॉट नंबर ऑफ वॉइड्स, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी रॉक के अंदर हमारा मैट्रिक्स होता है, यानी कि रॉक पार्टिकल्स बेसिकली, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो हमको ये स्पेस दिखाई दे रही है, ये स्पेस बेसिकली क्या है, वॉइड्स हैं, जहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एयर, वाटर या हमारा ऑयल, इस टाइप की चीज़ें। और सॉलिड्स हम किसे बोल रहे हैं, बेसिकली मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं सॉलिड्स। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मैट्रिक्स, लेट्स सी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दिस इज फाई, विच इज कॉल्ड द पोरोसिटी। सो दिस इज द पोरोसिटी। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। हो गया ये, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इज बेसिकली मैट्रिक्स। देन वी हैव वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ये हो गया हमारा 1/void ratio। उल्टा हो गया ना void ratio का, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस वन ऑल्सो नॉट करेक्ट, दिस वन ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो द आंसर वुड बी बी, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड, करेक्टली मैच्ड। ओके, हमको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेनेज सिस्टम्स दिए हुए हैं, सो लेट्स सी। डिस्कॉर्डेंट ड्रेनेजेस डेवलप ऑन रिवर चैनल्स कट अक्रॉस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, दिस इज करेक्टली मैच्ड, सो नॉट द राइट आंसर। ट्रेलिस ड्रेनेज डेवलप ऑन ऑल्टरनेटिंग वीक एंड रेजिस्टेंट टिल्टेड सेडिमेंट्री रॉक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड, नॉट द राइट आंसर। Then we have parallel drainages develop on horizontal sediments or homogeneous crystalline rocks. Okay, ये कहाँ पे develop होता है, basically जब हमारे पास ऐसा एक inclined surface हो, इसके ऊपर हमको ऐसे parallel drainage patterns देखने को मिलेंगे, जिनको हम बोलते हैं parallel drainage। तो हमको यहाँ basically क्या चाहिए, स्लोप चाहिए बेसिकली। सो ये हॉरिजॉन्टल सेडिमेंट्स में नहीं डेवलप होगा, सो दिस वन इज नॉट मैच्ड करेक्टली। लास्ट ऑप्शन इज डेवलप्ड ऑन इरोडेड डोम इन ऑल्टरनेट वीक स्लैश रेजिस्टेंट सेडिमेंट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्टली मैच, नॉट द राइट आंसर। सो द राइट आंसर वुड बी पैरेलल ड्रेनेज। ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेट बाउंड्री द मूविंग प्लेट्स ग्राइंड पास्ट ईच अदर विदाउट प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रॉइंग लिथोस्फेयर। ओके, सबसे पहले हमारे पास डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, सपोज ये दो प्लेट्स हैं, दे आर डाइवर्जिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्मा रिलीज होगा और यहाँ पे मिड ओशनिक रिज बनेगी बेसिकली। और अगर कॉन्टिनेंट में हो रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कॉन्टिनेंटल रिफ्ट। बोथ दिस केसेस में क्या हो रहा है, मेंटल डिस्ट्रॉय हो रहा है, सॉरी मेंटल जनरेट हो रहा है। देन वी हैव कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या हो रहा है, दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, क्या होगा, सबडक्शन होगा, या तो सबडक्शन होगा या फिर दोनों प्लेट्स के कोलाइड होने की वजह से हमको क्या मिलेंगे, माउंटेन्स मिलेंगे। अगर दो
कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में कोलाइड हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, तो वहाँ पे हमको माउंटेन्स मिलेंगे। और अगर हम क्या हो रहा है, अगर एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, एक ओशनिक प्लेट है, तो कॉन्टिनेंटल प्लेट लाइटर होती है, वो सरफेस पे रहेगी, और ओशनिक प्लेट हैवियर होती है तो वो सबडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। देन वी हैव ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री में क्या होगा, एक प्लेट कुछ इस टाइप का मोशन होगा, यानी कि एक प्लेट तो ऊपर जा रही है, एक प्लेट नीचे आ रही है, बेसिकली दे आर मूविंग पास्ट ईच अदर। यहाँ पे ना ही कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ना ही कोई लिथोस्फेयर डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो दिस वन वुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री एंड ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री बोथ। ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट बाउंड्री तो होगा, लेकिन कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री नहीं होगा एज वी हैव डिस्कस्ड, क्योंकि यहाँ पे लिथोस्फेयर क्या हो रहा है, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पे डिस्ट्रॉय हो रहा है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26, स्ट्रेस दैट इज जनरेटेड ड्यू टू द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक कॉलम इन द अर्थ क्रस्ट इज रेफर टू एज। फर्स्ट लेट्स सी कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर बेसिकली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, यानी कि वेन द प्रेशर इज इक्वल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, यानी कि हर डायरेक्शन से अगर हमको सेम फोर्स लग रही है, सो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्फाइनिंग प्रेशर। देन वी हैव डेविटोरिक प्रेशर। डेविटोरिक प्रेशर क्या है, अगर हर डायरेक्शन से अलग अलग अमाउंट में प्रेशर लगे, सो उसको हम बोलेंगे डेविटोरिक प्रेशर। सपोज इस डायरेक्शन से 2 पास्कल लग रहा है, यहाँ से 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, सो इस कंडीशन को हम बोलेंगे डेविटोरिक प्रेशर। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव टेंसाइल प्रेशर। टेंसाइल प्रेशर बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेचिंग, यानी कि ऑपोजिंग फोर्सेज लग रही हैं किसी बॉडी के ऊपर, इक्वल अमाउंट हो बेसिकली, बट ऑपोजिंग फोर्सेज, सो दिस इज कॉल्ड टेंसाइल प्रेशर, दिस वन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन लास्ट इज लिथोस्टैटिक प्रेशर। लिथोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, बेसिकली प्रेशर दैट इज जनरेटेड टू द वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक कॉलम, और ये ग्रेविटी की वजह से होता है, सो इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, डाउनवर्ड्स। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27, द सेपरेशन ऑफ अ कॉम्पिटेंट लेयर ड्यू टू द लेयर पैरेलल एक्सटेंशन इज इनकम्प्लीट एंड शोज नैरोइंग ऑफ द सेगमेंट्स, दिस स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज। ओके, लेट सी all of the structures one by one. First, let's see tension gash. Tension gash kya hota hai basically? Okay. All of the 4 options describe basically, ye 4 options kya describe kar rahe hain? Budins. Budins kya hota hai? Different different structures जो एक्सटेंशन की वजह से किसी भी रॉक के अंदर फॉर्म होते हैं, उनको हम बुडेंस बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है टेंशन गैश। टेंशन गैश में क्या होता है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, क्या होता है, एक्सटेंशन की वजह से हमको ऐसे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं रॉक्स के अंदर, एज यू कैन सी। उसके बाद अगर इन फ्रैक्चर्स के अंदर मिनरलाइजेशन हो जाए, यानी कि कोई मिनरल डिपॉजिट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ये सैंडस्टोन के अंदर, यहाँ पे ये लाइमस्टोन के छोटे छोटे ये मिनरलाइजेशन हो चुका है इन फ्रैक्चर्स के अंदर, सो इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, टेंशन गैश। सो दिस इज नॉट करेक्ट। देन वी हैव एक्सटेंशन फ्रैक्चर बुडिनेज। एक्सटेंशन फ्रैक्चर बुडिनेज में क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे एक्सटेंशन की वजह से ये जो बुडिन्स बने हैं ये फ्रैक्चर हो जाते हैं, इनके बीच में फ्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में यहाँ पे फ्रैक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। सो ये एक्सटेंशन की वजह से अगर फ्रैक्चरिंग हो जाए, सो हम उनको बोलते हैं एक्सटेंशन फ्रैक्चर बुडिनेज। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, बिकॉज ये क्या पूछ रहा है, व्हेन एक्सटेंशन इज इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट वी हैव चॉकलेट टैबलेट स्ट्रक्चर। चॉकलेट टैबलेट स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पे 2 ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में बेसिकली एक्सटेंशन होता है, यानी कि फर्स्ट हमारा इस डायरेक्शन में एक्सटेंशन हुआ जिसकी वजह से ये लेयर्स सेपरेट हो गई बेसिकली, उसके बाद हमको इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंशन देखने को मिला जिससे कि ये चॉकलेट के जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जैसे चॉकलेट की बार होती है उसमें हमको अलग अलग पीसेस दिखाई देते हैं,
वो वाला सेम स्ट्रक्चर बन गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें दो ऑर्थोगोनल डायरेक्शंस में एक्सटेंशन हुआ है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन हमारे पास है पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर्स। पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, बेसिकली एक्सटेंशन हुआ, बीच में थोड़ा सा गैप बना, तो ये जो बुडिंस की नेक्स हैं ये तो हो जाती हैं पतली, और ये कुछ एरिया हो जाता है स्वेल, और जो नेक्स होती है यहाँ पे हमें पिंच स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। नेक्स पे हमें पिंच स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और बीच में हमको स्वेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो ये कब होता है, जब एक्सटेंशन या जो हमारा बुडिन फॉर्मेशन का वो था प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं होता, तब हमको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स नैरो हो गए और कुछ सेगमेंट स्वेल हो गए। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, पिंच एंड स्वेल स्ट्रक्चर्स। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, ओवरफोल्ड्स हैव वन ऑफ द लिम्ब्स एसेंशियली। ओके, ओवरफोल्ड्स में क्या होता है, सपोज दिस इज आवर ओवरफोल्ड एंड दिस इज द एक्सियल प्लेन एंड ये हो गए हमारे लिम्ब्स। सो ओवरफोल्ड्स में जो एक्सियल प्लेन होता है वो इतना ज्यादा बेंड होता है कि जो एक एक लिम्ब तो हमारा नॉर्मल लिम्ब होता है और जो दूसरा लिम्ब होता है वो लिम्ब हो जाता है ओवरटर्न्ड। वहीं अगर ये लिम्ब, सॉरी ये एक्सियल प्लेन कुछ ऐसा होता तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिकम्बेंट फोल्ड। बट ओवरफोल्ड की केस में क्या होता है, एक लिम्ब ओवरटर्न हो जाता है ड्यू टू दी अलाइनमेंट ऑफ एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन की अलाइनमेंट इस टाइप से होती है कि एक लिम्ब हमको ओवरटर्न्ड फील होता है। सो द आंसर वुड बी नॉट हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल, नॉट पैरेलल, इट वुड बी ओवरटर्न्ड और इनवर्टेड। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 29, द ओशन दैट गेव राइज टू बर्थ ऑफ हिमालयन माउंटेन वॉज। ओके, फर्स्ट वी हैव इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। इंडियन ओशन, इफ दिस इज इंडिया, समथिंग लाइक दिस, इंडियन ओशन कहाँ पर है, यहाँ पर, एंड पैसिफिक ओशन तो फार अवे फ्रॉम हियर, पैसिफिक ओशन तो कहीं यहाँ पे है। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं होंगे, सॉरी। देन वी हैव पेंथलासा ओशन। पेंथलासा ओशन बेसिकली एंशियंट ओशन है, जब अर्थ के अंदर सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था, बेसिकली एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, वी ऑल नो दैट। दिस पेंजिया कॉन्टिनेंट वॉज सराउंडेड बाय एन ओशन जिसका नाम था पेंथलासा। सो पेंथलासा वॉज एन एंशियंट ओशन अराउंड द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। देन वी हैव टिथीज ओशन। टिथीज ओशन बेसिकली दिस वॉज इंडियन प्लेट एंड दिस वॉज द यूरेशियन प्लेट। 65 मिलियन ईयर्स पहले एक इवेंट हुआ था जिसमें क्या हुआ था, जो हमारी इंडियन प्लेट थी इट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट, और इन दोनों के कोलिजन की वजह से हमको एक फोल्डेड माउंटेन बेल्ट मिलती है जिसको हम हिमालयन माउंटेन्स कहते हैं। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली एक ओशन था जिसका नाम था टिथीज ओशन। सो टिथीज ओशन की क्लोजिंग से हमारा हिमालयन माउंटेन बेसिकली हमें मिलता है। सो दोनों प्लेट्स कोलाइड हुई और यहाँ पे जो टिथीज ओशन था ये क्लोज हो गया और हमें एक फोल्डेड माउंटेन बेल्ट मिली जिसको हम हिमालयन माउंटेन्स बोलते हैं। सो दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, अ कॉन्टिनेंटल मार्जिन दैट फॉर्म्स ड्यू टू इनिशियल रिफ्टिंग ऑफ अ कॉन्टिनेंट टू डेवलप एन ओशन लेटर इज कॉल्ड। ओके, रिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्टिंग का बेसिकली मतलब होता है मूविंग अपार्ट। सो लेट सी कि कौन से केस में हमें रिफ्टिंग देखने को मिलेगी। फर्स्ट इंडियन स्टाइल मार्जिन। इंडियन स्टाइल मार्जिन बेसिकली सबडक्शन जोन है, विच मीन्स इट इज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि थिंग्स आर मूविंग towards, not moving apart. Then we have sutured margin.
Sutured margin is basically a remnant of a subduction zone. This is also moving towards, क्योंकि ये भी convergent है. So not correct, not correct. Then we have active margin. Active margin हमको कहाँ देखने को मिलती है? Mid oceanic ridges में. Basically ये प्लेट moving apart from each other, और यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे? Mid oceanic ridges. Okay, but this is formed in oceans. So this one is also not correct, क्योंकि question क्या पूछ रहा है? Continental margin. So the last option is passive margin. Passive margin में क्या होता है? Basically दो प्लेट्स, बेसिकली कॉन्टिनेंटल प्लेट रिफ्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी या ये इनएक्टिव प्लेट हो गई, यहाँ पे कोई भी हमको टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी. और जब ये टेक्टोनिक एक्टिविटी बंद हो जाएगी, उसके बाद हमको यहाँ पे एक ओशन मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर, पैसिव मार्जिन. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो. And we will be doing remaining of the questions in upcoming parts. If you like the video, give it a big thumbs up. And if you have any questions and doubts, write it down in the comment section below. And keep following our channel. And I'll see you in the next video. Goodbye.